क्या आप अपने आप को हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं? आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और वो आपके जीवन में आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, VIP पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिस पर मसाज करके जो प्रॉब्लम मैंने आपसे अभी डिस्कस करी, ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, अगर हम कहें अप्रॉक्स 50 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें रिलीफ मिलेगा। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन है, हमें कहाँ पर और कैसे मसाज करनी है, वो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन सारे फ़ायदों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मिलने वाले हैं जब हम इस पॉइंट पर दिन में 2 से 3 बार मसाज करेंगे। इन सभी फ़ायदों को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ये जो पॉइंट है ये हमारे सिर और सेंस ऑर्गन्स की लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। जब इस पॉइंट पर हम रेगुलर मसाज करेंगे तो होने वाले पैरालिसिस तक को रोक सकते हैं। इस पॉइंट पर मसाज करके सेंस ऑर्गन्स में आने वाली ब्लॉकेजेस, इश्यूज को दूर किया जा सकता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, जैसे कि एकाएक देखने की क्षमता घट जाए, एकाएक सुनने की क्षमता घट जाए, या नाक से सूंघने की क्षमता घट जाए, नाक से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, ये सारी ही सिचुएशंस जो हैं उन सब में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जिन लोगों को गले में रुकावट या सांस घुटने की फीलिंग होती है वो लोग अपने इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज करें। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये पॉइंट हमारे ब्रेन के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये हुआ हमारा फिजिकल लेवल पे एक बेनिफिट। मेटाफिजिकल लेवल पर बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि वो हर समय समस्याओं में घिरे हुए हैं, उनके विचार उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। जब वो अपने इस पॉइंट पर मसाज करेंगे तो उनका जो ब्रेन है वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, उन्हें सुकून का अनुभव होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और उसमें आपका ध्यान नहीं लग पाता तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करते समय अपने इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज कीजिए। एकदम रिलैक्स होने के साथ साथ आपका जो ध्यान है वो भी गहरा लगेगा। ये पॉइंट हमारी आत्म चेतना, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, हमारे अंदर गर्म जोशी लाता है। जब आप इसमें रेगुलर मसाज करेंगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ना और हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर लोगों को मेंटल एग्जर्शन रहता है, कोई भी काम शुरू करते ही वो अपने आप को ओवरबर्डन फील करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एनर्जी बिल्कुल खिंच गई है। जब वो अपने इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज करेंगे तो उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो एक टाइम में कई सारे कामों को टैकल कर पाएंगे। इस पॉइंट पर मसाज करके ऑसिपिटल एरिया, जो हमारे सिर का बैक साइड है, ऑसिपिटल एरिया में होने वाले पेन, नेक का पेन और स्टिफनेस, इन सभी चीज़ों में हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इस पॉइंट की इतनी सारी क्वालिटीज़ की वजह से इसको स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है एक्यूप्रेशर में। अब हम इस पॉइंट की लोकेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे मसाज करनी है और दिन में कितनी बार करनी है। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे कानों के पीछे, जहाँ पर ये हमारा ईयर लोब हमारे फेस से जुड़ा हुआ है। इससे थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, जहाँ मैंने ये एक डॉट लगाया हुआ है, इसको आप कैसे ढूंढेंगे? कानों के पीछे जो ये एक बोनी स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ आइए, जहाँ पर हमें एक पिट मिल जाता है, वहीं पर हमें ये पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का नाम है TW16। आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। और ये पॉइंट हमारे कानों में दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब आपको प्रेशर कैसे देना है, आप चाहें तो अपने थंब की हेल्प से इस तरह से इसको उस पॉइंट पर रखिए थंब को, और दूसरी तरफ दूसरे थंब को रखिए, और आपको इस तरह से सॉफ्ट सर्कुलर मूवमेंट कराते हुए और थोड़ा सा डीप प्रेशर देना है करीबन 30 सेकंड के लिए।
जब आप प्रेशर दे रहे हैं, ये मसाज कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रीथ्स को नॉर्मल रखिए, मतलब नॉर्मल सांस लेते रहिए। ऐसा नहीं कि हमें सांस को रोक लेना है, राइट। इस तरह से 30 सेकंड के लिए मसाज कीजिए, फिर कुछ सेकंड का ब्रेक देके दोबारा से 30 सेकंड की मसाज कीजिए। और ये हो गई हमारी एक मिनट की मसाज एक बार में। आप दिन में 2 से 3 बार इस मसाज को कर सकते हैं। आप जब इस मसाज को रेगुलर करेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो सारे ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कोई भी बेनिफिट उठाने के लिए हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने आज किया इस प्रेशर को, फिर हम 15 दिन भूल गए, उसके बाद फिर मसाज स्टार्ट कर दी। तो आप रेगुलर मसाज करेंगे, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आज हमने एक VIP पॉइंट की बात की है। अपनी और बहुत सारी वीडियो में मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट्स बताती हूँ बियोल मैग्नेट की हेल्प से। ऐसे ही 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स इन एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स में दिए हुए हैं, जो कि डिवाइन केयर की हैं। ट्रीटमेंट हाथों पर ही बताए गए हैं, फ्रंट और बैक साइड जहाँ भी पॉइंट की लोकेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं ये ट्रीटमेंट्स। आपको अपनी लाइफ की डे टू डे की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा जब आप इन बुक्स को यूज़ करेंगे। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। डिवाइन केयर के और प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और कुछ कॉम्बो ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आप पहले प्लीज़ अच्छे से सर्च कीजिए, समझिए और उसके बाद प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए। आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे पॉइंट के बारे में बात की है। आप इसे खुद भी यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की है, शायद कोई भी मेडिकेशन उनको एक साथ रिजॉल्व ना कर पाए, और विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आप जितना दूर तक इस नॉलेज को पहुँचाना चाहें आप पहुँचा सकते हैं। इसको शेयर कीजिए ज़्यादातर लोगों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।